समुदाय के तेज तर्रार धर्म गुरु और भारत के दिगंबर मुनि तरुण सागर का शनिवार सुबह 3:30 बजे निधन हो गया है। मुनि बनने के बाद निर्वस्त्र रहने वाले तरुण सागर को पीलिया ने जबरदस्त जकड़ लिया था और कई दिनों से वे बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था और उनके निधन के बाद उनके अनुयायियों में मातम सा छा गया है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़ी हस्तियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर मुनि तरुण सागर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा है कि उनके आदर्शों और समाज में उनके योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। तरुण सागर महाराज के निधन के बाद उनके प्रवास स्थल पर दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु जुटने लगे हैं और आज दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आइए जानते हैं जैन मुनि तरुण सागर के बारे में कुछ खास बातें। जैन मुनि तरुण सागर का असल नाम पवन कुमार जैन है। उनका जन्म 26 जून 1967 ग्राम कोहोजी जिला दमोह राज्य मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके माता पिता का नाम श्रीमती शांतिबाई जैन और प्रताप चंद्र जैन था। उनको जाने वालों की माने तो उन्होंने 8 मार्च 1981 में घर छोड़ दिया था। उनकी शिक्षा दीक्षा छत्तीसगढ़ में हुई है। उनके प्रवचन की वजह से इन्हें क्रांतिकारी संत की संज्ञा दी गई थी। उन्हें 6 फरवरी 2002 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजकीय अतिथि का दर्जा मिला है। 2 मार्च 2003 को गुजरात सरकार ने उन्हें राजकीय अतिथि के सम्मान से नवाजा था। तरुण सागर ने कड़वे प्रवचन के नाम से एक बुक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके लिए वो काफी चर्चित रहते हैं।